हाल में फेसबुक पेज वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट शेयर किया जो कुछ ही मिनट में और दो फेसबुक पेजेस ने आगे बढ़ाया, अन्य यूजर्स ने फैलाया और चंद घंटों में ये पोस्ट वायरल हो गया। इस पोस्ट का दावा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की लीडर शबाना सारा अली वेश्यावृत्ति का धंधा चलाती हैं और उनको पुलिस ने अन्य लड़कियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सवाल है, क्या ये बात सच है? नहीं। ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू करी और गूगल रिवर्स सर्च का उपयोग किया। ये छवि बीजिंग न्यूज नामक न्यूज साइट पर मिली। सितंबर 13, 2012 को इस चाइना के वेबसाइट ने एक आर्टिकल छापा था जिसका टाइटल था वेंजाओ पुलिस का रेड होटल में वेश्यावृत्ति धंधे पे 2012। ये फोटो 6 साल पुरानी है और हिंदुस्तान की नहीं बल्कि चाइना की है। आगे ऑल्ट न्यूज ने ये भी खोज निकाला कि जिस महिला की फोटो इस्तेमाल की गई थी उनका नाम शबाना सारा अली नहीं है बल्कि ये है गुरप्रीत कौर चड्ढा जो मुंबई रीजनल महिला कांग्रेस कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। 14 नवंबर 2018 को गुरप्रीत जी ने ट्वीट करते हुए मुंबई पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच दिल्ली से निवेदन किया कि वो उन जनों पे कार्रवाई शुरू करें जिन्होंने उनकी फोटो का दुरुपयोग किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ऑल्ट न्यूज को कन्फर्म किया कि शबाना सारा अली के नाम से मध्य प्रदेश में कोई भी कांग्रेस पार्टी मेंबर नहीं है। तो सोचिए, एक दिलचस्प कहानी रचने के लिए पहले एक मनगढ़ंत नाम बनाया, फिर एक दूसरे देश में हुई घटना की छवि का इस्तेमाल किया और आखिर में जाके इन दोनों को जोड़ा गुरप्रीत कौर चड्ढा की तस्वीर के साथ। तस्वीरें बहुत आसानी से अलग अलग रूप में प्रकट करी जा सकती हैं और साथ साथ प्रचार प्रसार भी बदला जा सकता है। मध्य प्रदेश के चुनाव जल्द ही आने वाले हैं और संभव है कि जाली खबरों का प्रचार बढ़ता जाएगा। ऑल्ट न्यूज ने फेक न्यूज और इलेक्शंस के संबंध के ऊपर कुछ समय पहले रिपोर्ट भी छापी हुई है। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, फॉरवर्ड या अफवाह आपको जज्बाती लगे तो कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।